कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक रेसिपी दिखाने वाली हूँ शीर खुरमा की, क्योंकि आप ईद भी करीब आ गई है तो शीर खुरमा तो हर घर में बनता है, लेकिन हर एक का तरीका अलग होता है। तो मैं अपना टाइप दिखा रही हूँ, तो चलिए उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने ये आधा लीटर दूध लिया है और ये 2 टेबल स्पून शुगर लिया हुआ है और ये सेवइयाँ हैं जो कि मैंने 10 ग्राम लिए हैं और ये इलायची पाउडर है और ये खसखस है जो मैंने भी पानी में भिगो के रात को और उसे खलबत्ते में पीस लिया है, क्योंकि बहुत कम है इसलिए इसको खलबत्ते में ही मैंने पीसा है। और ये कंडेंस मिल्क है 1 टेबल स्पून लिया है मैंने, और ये किशमिश है और ये घी, देसी घी है जो 2 टेबल स्पून लिया है मैंने, और ये ज़ाफ़रान है जिसे मैंने दूध में भिगो दिया है, और ये बादाम, पिस्ते और काजू है जिसे मैंने रात को भिगाया था और सुबह उठ के उसके छिलके उतार के और उसे इस तरह से स्लाइस में काट दिए और फैन की हवा में ज़रा सा उसे सूखने के लिए रख दिया था। और ये चिरौंजी है जिसके मैंने, इसे भी मैंने रात को भिगाया था और उसके छिलके सुबह उठ के सब निकाल लिए और उसे भी फैन में सुखा दिया, जिसकी वजह से छिलके आसानी से निकल गए। और ये छुआरे हैं यानी सूखी खजूर जो मैंने इसे भी भिगाया था रात को और इसे ऐसे स्लाइस में काट लिए। अब मैं इसका पहला स्टेप दिखाती हूँ आपको। तो मैंने ये दूध स्लो गैस पर, स्लो स्टोव पर गरम करने के लिए रख दिया है और इधर एक पैन रख दिया है, उसमें मैं ये सब मसाले भूनूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें घी डाल, हमें फ्लेम को ज़रा स्लो कर देना है क्योंकि हमारे ये ड्राई फ्रूट जल ना जाए, तो इसमें इसको मैं भूनूंगी। तो इसमें मैंने बादाम, काजू और पिस्ते के स्लाइस डाल दिए और ज़रा मीडियम फ्लेम पर पहले हम भूनेंगे इसे और फिर बाद में ज़रा स्लो कर देंगे ताकि हमारी ये ड्राई फ्रूट जल ना जाए। भून चुका है तो अब मैं इसमें चिरौंजी डालूँगी और इसको भी इसके साथ भूनूँ। तो देखिए, ये अभी हमारे ये ड्राई फ्रूट अच्छी तरीके से भून चुके हैं, तो अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल के एक साइड में रख दूँगी। देखिए, अब इस तरह से हमारे ये ड्राई फ्रूट भून चुके हैं और मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। तो देखिए, अब ये छुआरे हैं, छुआरों के स्लाइस मैं इसमें भूनने के लिए डाल रही हूँ। अब मैं ये किशमिश 8-10 हैं वो मैं इसमें भूनने के लिए डाल रही हूँ। तो देखिए, ये अब हमारे छुआरे और जो किशमिश है वो भून चुके हैं अच्छे से लाल, तो अब हम इसे, अब मैं इसे प्लेट में निकालूँ। तो इस तरह से हमें छुआरों को भूनना चाहिए और किश। तो देखिए, मैंने अभी इसमें थोड़ा सा घी 1 टेबल स्पून डाला है और अब मैं इसमें ये सेवइयाँ हैं वो अच्छी लाल भूनूंगी। ये हमारी सेवइयाँ अब लाल भून चुकी हैं और अब मैं स्टोव ऑफ कर देती हूँ। देखिए, अब मैं इसे इस प्लेट में निकाल रही हूँ। इस तरह से हमारी सेवइयाँ लाल होना चाहिए और इसमें जो घी बचा हुआ है वो हम वो दूध में ही डाल देंगे इस शीर खुरमे में।
से हमें घी में ये सब चीज़ें ऐसे भूनना चाहिए। तो अब मैंने हमारा दूध भी गर्म हो चुका है और अब हमें ये हमारे सब भुने हुए मसाले ड्राई फ्रूट मैं इसमें डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें सेवइयाँ डाल रही हूँ, फिर ये है छुआरे और किशमिश और ये सब ड्राई फ्रूट सब इसमें डाल दिए हैं और सब घी और ये सब उसमें मैंने डाल दी हूँ। और अब इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी डाल रही हूँ, ये जो हमने लिए थे। हम इसमें ये पिसी हुई खसखस ऐड करेंगे, इसे हमने भूना नहीं है क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी भी है और सब वो घी में ही लग जाएगी। और अब ये जो मैंने दो टेबल स्पून शुगर लिया है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये है इलायची की पाउडर जो मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें। और ये है जाफरान जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो देखिए अब ये 5 मिनट पक चुका है हमारा शीरकुर्मा और अब ये रेडी हो गया है। तो देखिए हमारा शीरकुर्मा पीने के लिए तैयार हो गया है। और आप अगर इसमें शक्कर और ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और दूसरी बात और जो भी मसाले हैं कम ज़्यादा डाल सकते हैं, मेरा लेकिन ये हिसाब है और ये तरीका है। तो ये बहुत ही मज़ेदार शीरकुर्मा बना है, बहुत ही अच्छा टेस्टी शीरकुर्मा बना है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अल्लाह हाफिज़।